नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में जिसको बनाया है भारत के DPSU ने। ये प्रोडक्ट है BEML का इंडिजिनस मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल यानी कि MBPV। और इसका जो मार्क टू है उसको गौर का नाम दिया गया है, तो गौर को लेके ही बात करने वाले हैं क्योंकि इस व्हीकल को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा। वैसे इस प्रोडक्ट के साथ और भी कई सारे जो BEML के प्रोडक्ट हैं वो लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि BEML का 150 टन का जो इलेक्ट्रिक डंप ट्रक है वो लॉन्च किया गया है। BEML का ही जो हेलीपोर्टेबल डोजर है वो लॉन्च किया गया है, और जो इलेक्ट्रिकल एक्सकेवेटर है वो भी लॉन्च किया गया है। तो ये जो कुछ चार प्रोडक्ट हैं वो लॉन्च किए गए हैं जिसमें से हम गौर की बात करने वाले हैं। तो ये एक मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल है जिसको इस्तेमाल किया जाएगा ट्रूप को कैरी करने में एक जगह से दूसरी जगह। स्पेशली इस तरह के जो व्हीकल होते हैं वो वहाँ पे काम आते हैं जहाँ पे जो भी आपके एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं उनसे जो अटैक होता है वो एंटीसिपेटरी होता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो आपके इस तरह के मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल होते हैं ये काफ़ी कारगर होते हैं। वैसे जो इसके एप्लीकेशन है वो काफ़ी वाइडर हैं, और भी कई रोल में आप इसको ला सकते हो। फिलहाल देखते हैं कि कौन कौन से जो इक्विपमेंट है और क्या चीज़ें इसमें खास है। तो इस व्हीकल को इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके कहे जाने पर ही डेवलप किया गया है। हर तरह के टेरेन और सरफेस पे चलने के लिए जो इसके व्हील है और उनका जो ट्रैक्शन है उसका ध्यान रखा गया है। इंजन की बात करोगे तो इसका जो इंजन है जनरेट करता है 250 किलोवाट की पावर, जो कि एक वाटर कूल्ड इंजन है, और इस पावर के दरमियान तकरीबन 2200 RPM है वो ये जनरेट करता है। पूरा जो गियर सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है, 6 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर है। मैक्सिमम स्पीड ये जो अटैन करता है वो 80 km/h की है, जबकि इसको लेके जो ड्रम ब्रेक है उसमें डुअल सर्किट दिए गए हैं। तो यहाँ पे BEML के इस MBPV में जो ब्रेकिंग सिस्टम है वहाँ पर जो फेल सेफ टेक्निक है वो इस्तेमाल की गई है, जो कि SCAM के साथ दी गई है, आपको अभी दिख रहा होगा। इस तरह के जो एयर ब्रेक सिस्टम है वो हैवी व्हीकल में दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आप जानते होंगे जो भी आपके ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं वो हाइड्रोलिक का इस्तेमाल करते हैं। तो हैवी व्हीकल में हाइड्रोलिक से व्हीकल को रोकना कभी कभी आसान नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ पे हैवी व्हीकल में जो एयर ब्रेक्स हैं वो दिए जाते हैं। मतलब जो भी आपके ब्रेक के ड्रम्स हैं उनको कंप्रेस कर रहा होता है एक कंप्रेस्ड एयर। और इस तरह के जो फेल सेफ ब्रेक हैं उसको लेके आपको कई सारे जो एडवांटेज हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि जो आपका ब्रेकिंग पैड है वो घिस भी गया है तो कितनी पावर लगानी है व्हीकल को रोकने के लिए उसको वो ऑटो एडजस्ट कर लेता है जो आपका एयर ब्रेक है। यहाँ पे इस व्हीकल में तकरीबन 300 mm की जो क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस, वो दी गई है ताकि ये किसी भी टेरेन में ट्रेवल कर सके। तकरीबन 1000 mm तक जमे हुए पानी में ये आसानी से ये ट्रैवल कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लाइंब रेट की बात करोगे वर्टिकल क्लाइंब तो वो 400 mm जो स्टीप क्लाइंबिंग है वो ये कर सकता है। बात करते हो पैसेंजर की, तकरीबन 8 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर इसमें आ सकते हैं, जबकि जो इसका टरेट है वो कोलैप्सिबल टरेट है और रोटेट हो सकता है 360 डिग्री। प्रोटेक्शन की बात करोगे तो स्टेनाइंग लेवल 2 और स्टेनाइंग लेवल 1 इन दोनों के प्रोटेक्शन दिए गए हैं जो कि इसको हेल्प करेंगे 7.6-39 और तकरीबन 60 मीटर से 7.6-51 को भी अपने ऊपर लेने में। तो ये दोनों राइफल राउंड है। क्रू और पैसेंजर के कंफर्ट के लिए जो इसका सस्पेंशन है वो एक कॉम्बिनेशन में बनाया गया है टॉर्शन बार और टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ। यहाँ पे जो व्हीकल में अप्रोच एंगल है वो 40 डिग्री का दिया गया है, जबकि जो डिपार्चर एंगल है वो 45 का दिया गया है, जो कि आप अभी देख रहे होंगे। वहीं पे व्हीकल के अंदर बैठे बैठे गन फायर करने के लिए जो कई सारे पोर्ट हैं वो दिए गए हैं व्हीकल के वॉल्स पे। व्हीकल के जो अंदर AC है, एयर कंडीशनिंग, वो दी गई है, प्लस जो नाइट विजन फैसिलिटी है वो दी गई है, और इस नाइट विजन के लिए जो डिस्प्ले है वो भी दिया गया है कैबिन में, जो कि 7 इंच का है। यहाँ पे व्हीकल के जो भी फ्लोर हैं और सीट हैं वो सभी के सभी ब्लास्ट और फायर प्रूफ हैं, जबकि व्हीकल के साथ जो GPS है नेविगेशन के लिए वो दिया गया है, और रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो सिस्टम्स है वो दिए गए हैं। वहीं पे जो सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम है वो दिया गया है। मतलब इस तरह के इन्फ्लेशन सिस्टम से जो आपके पास कंट्रोल है टायर के अंदर के प्रेशर का वो बढ़ जाता है, जबकि ये फ्लैट टायर्स पे 30 से भी ज़्यादा किलोमीटर ये रन करने में सक्षम है। और प्रोटेक्शन में भी ये जो भी आपके ऊपर अगर ग्रेनेड अटैक होता है तो ये उसको भी झेल सकता है। तो कुछ इस प्रकार का BEML का ये व्हीकल है जिसको प्रॉब्ली इंडियन आर्मी के लिए जल्द ही डेडिकेट किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।